हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यम्मी। जी हाँ, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं पत्तरोड़ों की रेसिपी, जो हिमाचल में आजकल खासकर बरसात के मौसम में बड़े ही स्वाद के साथ खाया जाता है। और इस व्लॉग के लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी करा था मुझे। एंड आजकल हम लोग सीज़न में बिजी थे, एप्पल सीज़न में, तो आज हम लोगों ने ब्रेक लिया है। तो आज थोड़ा फ्री थे तो मुझे लगा कि चलो आज हम लोग पत्तरोड़ू बना देते हैं और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना देते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं खेत की तरफ एंड खेत से हम लोग तोड़ के लाएंगे फ्रेश फ्रेश अरबी के पत्ते और उसके बाद बनाएंगे पत्तरोड़ू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए गाइज, मैंने जब नायशा का बर्थडे वाला व्लॉग शेयर किया था तो उस दिन मैंने बताया था कि हमने नायशा के बर्थडे पे पेड़ लगाया था। सो ये देखिए, अंकित इस पेड़ की थोड़ी बहुत सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए नायशा का जो फर्स्ट बर्थडे था वो वाला प्लांट है ये। एंड ये देखिए अंकित, और दूसरा दिखाती हूँ मैं पेड़ आपको, जो नायशा के जब नायशा पैदा हुई थी तब हमने लगाया था। ये देखिए, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अंकित इसके आसपास से घास निकाल रहे हैं। अंकित आप कहाँ जा रहे हैं ये लेके छुरी? और आज होगा युद्ध। युद्ध किसके साथ? तलवार, और ये है मेरी क्या, ढाल। ढाल एंड ये है स्पार्टन्स। देखिए जा रहे हैं स्पार्टन्स अपने मिशन की तरफ, पत्तरोड़ू तो टुगेदर। एंड गाइस देखिए, एप्पल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया और आधे तो हम लोगों ने मतलब तोड़ान कर दिया है सेब का, और आधा रह गया है। बस आप लोगों के पास आने ही वाली है एप्पल सीजन की वीडियो, जो मैं शायद नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर दूंगी। और ये हम लोग जा रहे हैं एप्पल के बीच बीच से। और गाइस ये देखिए, ये हमारे अपने खेत में लगे हुए हैं अरबी के पत्ते, बट ये अभी छोटे हैं तो अभी हम लोग ये नहीं तोड़ेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी चाची के खेत में, उनके जो ये अरबी है वो मतलब तोड़ने लायक हो गए, बड़े हो गए, तो उनके खेत से लाते हैं अरबी तोड़ के। अंकित आपको रास्ता तो पता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, मैनुअल वाइल्ड वाली फीलिंग ला। चुप करो आप। मैं कहाँ कहाँ से आई यार, ये कौन ले जाएगा? ये आप लाएंगे तो मैं ऊपर चढ़ूंगी, किसको पकड़ूंगी? अरे चुप करो आप, एक ना ट्रैकर की बीवी हो आप एक, और साथ में नाम भी माउंटेन कल रखा है आपने। सो आपको लोग कैच करो। शाबाश। ओ फाइनली हम लोगों को दिख गए अरबी के पत्ते, वो देखो ऊपर नाशपाती के पेड़ के। काफी मशक्कत के बाद दिख गए। ये दिख गए। हाँ जूम किए। हाँ थोड़े से। हाँ अब चलो, चलो जाते ना कि रास्ते से जाते हैं, हर कहीं से जा रहे हैं, आप मिलेंगे रास्ता देखते हैं ना। इधर से चल, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। नहीं नहीं इसे, अरे चल तो सही। ये देखिए हालत काफी खस्ता, कोई खस्ता हालत नहीं, ये मदद के लिए हाथ आ चुका है आगे। आप लोग ना, आप लोग ये तो देखो घास तो देखो, यहाँ पे इतना लंबा लंबा घास हो रखा है और इतने लंबे घास से चला रहे हैं। खेत में घास होगा तो क्या होगा फिर यहाँ पे? हमेशा ऐसे करते हैं, जहाँ मर्जी से ले जाते हैं बस। काफी दुख भरा माहौल, काम चोरी भरा भी साथ साथ। क्या काम चोरी इसमें, तो अगर साफ मिलेंगे ना तब पता चलेगा। साफ साफ में रखना पाए। ये देखिए आप यहाँ पे कहीं रेस्ट तो नहीं कर रहे, नाशपाती की चोरी करते हुए और ये शर्याम कैमरे में दिखती हुई। ये पक्की पड़ी। ये देखिए यार, किसकी है ये? जिसकी भी है, पर चोरी हो रही है शर्याम। सख्त सी है, कुछ हार्ड सी लग रही है। हाँ ये तुम्बा नाशपाती भी। कौन सी? बब्बू गोशा। तुम्बा तुम्बा। पत्ते ही पत्ते अरबी के। हाँ ये यहाँ पे देवता जी का स्थान है हमारे, उनकी जब खीण होती है तब बैठते यहाँ देवता जी, है ना? जब उस दिन थी ना एक, है ना, लास्ट टाइम थी तब बैठे थे। ये देखिए आलूओं के बीच में आलू। शिमला के आलू। आलूओं के बीच में आलू नाशपाती खाते हुए। और गाइज ये देखिए अरबी के कुछ प्लांट्स हैं जिनकी की जो डालियां हैं वो ब्राउन कलर की हैं, बट मम्मी ने कहा है कि ब्राउन कलर की नहीं लाने हैं पत्ते, हम लोगों को वही लाने हैं जिसकी डालियां ग्रीन कलर की हैं, क्योंकि शायद ये दूसरे वाले ब्राउन कलर वाले इतने टेस्टी नहीं होते। देखो गाइज कितनी प्यारी सी शेप है इसकी, हार्ट शेप। और मम्मी ने बोला है ना कि थोड़े नीचे से काटने हैं, ऊपर से नहीं काटने तो पत्ता टूट जाएगा, है ना? थोड़ा नीचे से काट, इतना काटू
थोड़ा और कर दो नीचे से, कोई चक्कर नहीं। हाँ, पहला पत्ता तोड़ दिया हमने पूरा। ये पता है किसकी तरह लग रहा है अंकित, बोलो। किसी तरह गणेश भगवान की सूंड लग रही। शाबाश। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पत्ते काट लेते हैं। हमें घर से कहा है कि 20 पत्ते लाने हैं काट के, तो हम लोग एग्जैक्ट 20 ही ले जाएंगे। ये 19 एंड लास्ट वन इज दिस, लास्ट वन इज ये है बेचारा वो आखिरी। ये लो जी, हो गए 20 पत्ते। ये देखिए के पत्ते तो फ्रेश और ब्यूटीफुल लग ही रहे हैं, और साथ में आप मौसम देखिए कितना ऑसम है। हम लोगों ने इकट्ठे कर दिए हैं अरबी के पत्ते, और अब हम लोग घर जा रहे हैं, और घर जाके इसको बनाते हैं पत्रोड़ू। तो चलिए अब गाइस हम लोग घर जाके पत्रोड़ू बनाएंगे, और पत्रोड़ू बनाने के लिए पहले तो हम लोगों को मटेरियल तैयार करना पड़ेगा पत्रोड़ू के लिए। और गाइस एक बात है कि मेरे घर में मेरी दादी जो पत्रोड़ू बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। एक तरह से दादी की सिग्नेचर डिश है पत्रोड़ू, हर बार मतलब दादी बनाते हैं, तो दादी से भी मिलवाती हूँ आज आप लोगों को। अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और दादी जो पत्ते हैं उसके जो हमने डंडियां थोड़ी लंबी काटी थी उसको काट रहे हैं दादी। अब हम लोग अरबी के जो ये पत्ते हैं इनको पानी से धो देते हैं पहले, और अब मैं यहाँ पे ये मसाले के लिए भून रही हूँ धनिया और साथ में जीरा और मेथी थोड़ी सी। पहले इसको भूनेंगे और उसके बाद इसको हम लोग कूट देंगे। तो ये हमने इसको कूटने के लिए डाल दिया है, और ये देखिए गाइस ये जो कूटने का आपको दिख रहा है ये पत्थर का बना हुआ है, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा है। और ये देखिए तब तक नायशा उठ गई है, ये सही कर इसका हेयर स्टाइल देखिए आप नायशा। क्या बमा ये बाल देखो आप, अपने बाल देखो अपने आप। और ये देखिए नायशा ने कितना अच्छे से कूट लिया है। और ये हम लोगों ने एक बर्तन में लिया हुआ है बेसन, और बेसन के साथ दादी ने जो भुना हुआ मसाला वो डाला। अब नमक डाल रहे हैं, नमक हल्दी एंड स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मिर्च, बट हमने मिर्च नहीं डाली क्योंकि हम लोग मिर्च कम खाते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं मिर्च भी। और अब ये दादी इसको घोल रहे हैं अच्छे से घोलेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ी घनी सी रहनी चाहिए ताकि जो पत्ते हैं उसमें अच्छे से चिपक जाए। हो गया 10%। सो गाइज ये देखिए ये हमारा बेसन का जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है, और कंसिस्टेंसी देखिए इतनी रहनी चाहिए। और ये देखिए दादी अब लगा रहे हैं पत्तों के ऊपर जो हमने बेसन का बनाया हुआ है उसका लेप लगा रहे हैं इसके ऊपर। दादी ने कहा कि शुरू के 2-3 मैं तेरे को बताती हूँ बना के, उसके बाद तू बना लेना। तो फोल्ड करेंगे अब इसको, और उसके ऊपर भी हमने ये बेसन लगाना है। हमने काफी बड़े बड़े से पत्ते लाए हैं तो 3 फोल्ड दे देंगे इसमें, और हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके रख देंगे हम लोग इसको सिड्डू मेकर में। और ये देखिए सिड्डू मेकर में रख देती हूँ मैं ये। अब बाकी के जो पत्रोड़ू हैं वो मैं बना देती हूँ। और ये मैंने काफी देर पहले पानी गर्म होने रख दिया था सिडू मेकर का, तो अब हम लोग लगा देंगे इसको पकने के लिए। और ये दोनों डब्बे हम लोगों ने भर लिए हैं पत्रोड़ू बना के, तो अब रख देते हैं पकने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद निकुंज चेक कर रहे हैं कि पक गए या नहीं है, गीला हो रहा है। अब निकुंज के चेक करने के बाद 10 मिनट हो चुके हैं, और आई थिंक अब तो ये पक चुके हैं, तो अब इनको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। वही खाना है आपको, हॉट या भी हॉट
और गाइज पतरोड़ी पकी या नहीं ये हम लोग इस तरह से चेक करते हैं कि एक छुरी या चम्मच कुछ भी इसमें डुबो देंगे अंदर तक, और अगर वो बिल्कुल सूखा निकलता है बाहर तो मतलब गीला नहीं होता चम्मच या छुरी, इट मीन्स कि ये अच्छे से पक चुके हैं। सो गाइज हमारी जो पतरोड़ू की रेसिपी है वो तैयार है, आप लोग इसको अब खा सकते हैं क्योंकि ये पक चुके हैं अच्छे से, बट हम लोगों को फ्राई करके खाना है क्योंकि चाय के साथ करारे करारे खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ ही आप लोग इसको तड़का लगा के मतलब सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। हम लोगों के जो फ्राई किए हुए पतरोड़ू रेडी हो चुके हैं चाय के साथ, ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले दादू दादी को खिला देते हैं। दादी कैसे हैं? अच्छे बने करा रहे। ठीक है अब लगाना बढ़िया इसको। कितने ज्यादा यमी लग रहे हैं। अब निकुंज को पूछ लेते हैं कि कैसे बने हैं। मैं और निकुंज साथ में ही खा रहे हैं बाहर बैठ के। टेस्ट कैसा है? बहुत यमी है। अब मैं और निकुंज दोनों मजे ले रहे हैं पतरोड़ू और चाय के बाहर बैठ के, मतलब बरसात का मौसम, चाय और पतरोड़ू, क्या कॉम्बिनेशन है। टेस्ट बताना अंकित। ठीक है बढ़िया। बस ठीक ही है। बढ़िया जी बढ़िया। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी नहीं है? अभी सच बोलो ना। कैसे? बढ़िया। चाय के साथ ऐसे बस ज्यादा टेस्टी होता है। ठंडे की तो ये ठंडी हो गई ना। बताइए जी स्वाद बताइए। मैंने तो बनाया, बहुत ही स्वाद है, बहुत ही ज्यादा। नहीं अपने तो सबको अच्छे लगते हैं सानी। दिल से बताइए। सच बहुत टेस्टी है। चुप करो, सच में बताओ। करारे और बरसात में बारिश में होता मजा ही और है। चाय के साथ खाने का तो मजा ही और है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।